किसानों की विशेष रूप से चिंता की गई वो वास्तव में सराहनीय है। और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है, वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि, 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है, कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2,183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कापूस में, कॉटन में बहुत बड़े रूप में वृद्धि करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कॉटन की मीडियम स्टेपल एमएसपी को 8.9 लगभग 9% बढ़ाकर 6,620 किया गया है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन को 7,020 यानी 10% की वृद्धि कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी है।